अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार मेरी इस रफ्तार से आपको पता लग रहा होगा कि भाई मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ मैं फिर से लेट हूँ। पता नहीं क्या, मैं ये सोचता था यार कि जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं हर वीडियो बोलते हैं भाई आई एम लेट आई एम लेट आई एम लेट, तो ये क्यों जान के लेट होते हैं क्या? नहीं भाई नहीं, ये वैसे ये होते ही लेट हैं। जो बंदा लेट होता ना वो यूट्यूबर बन जाता है। जैसे कि मैं कई किसी फंक्शन में 2 साल हो गए कहीं पर मैं टाइम पर नहीं पहुँचा, आज भी नहीं पहुँच रहा। यार अगर आपको अभी तक भी जो है ना वो टाइटल और थंबनेल से पता नहीं लगा कि यहाँ पर हम क्या करने आए थे, अच्छा बनाओ बनाओ सही बनाना। अगर आपको अभी तक भी जो है वो टाइटल और थंबनेल से पता नहीं लगा तो यहाँ क्या करने आए थे, यहाँ पर एक आर्ट एग्जीबिशन थी। हाँ तो यार एविसिना में ना यहाँ पर थी आर्ट एग्जीबिशन। यहाँ पर इन्होंने मतलब आर्ट क्या होती है, आर्ट होती है जो आपको नहीं आती। यार मेरी रोस्टिंग ना करो ठीक है ना। सही था, मजा आया। इन्होंने यार हर बंदे को अवॉर्ड दिया, हर बंदे को अवॉर्ड दिया। मुझे सिर्फ एक चीज से मसला है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है भाई। एक चीज से मसला है, वो क्या कि यार इन्होंने कहा कि बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस और बेस्ट बॉलर, क्रिकेट की कैटेगरी दो बनाई हुई थी। मुझे ये समझ नहीं आई बस कि बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस अलग होती है और बेस्ट बॉलर अलग होता है क्या। बात करें ना मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की कि मुझे क्या अच्छा लगा यहाँ पर, तो 2 आर्ट्स मुझे बहुत ज्यादा मतलब कमाल लगी, बहुत ज्यादा कमाल ना। पहली तो है वो कोई एक इंडियन लड़की थी, वो आपको क्लिप वहाँ चल जाएगा वो देख लेना, वो मतलब बहुत प्यारी उसने ड्राइंग बनाई थी यार, बहुत ज़्यादा प्यारी। और दूसरे नंबर पे जो दूसरा नंबर है एक्चुअली वो पहला नंबर है, आप समझ लेना इस तरह। जुहेब लड़का है, मेरा दोस्त भी है बाय द वे, मतलब जुहेब भाई, उसका यूट्यूब पे चैनल भी है, वो भी जाकर देख सकते हैं। उसने पूरी जो है ना ये पीछे एविसिना ना, इस पूरी एविसिना का उन्होंने वो बनाया हुआ था पूरा, क्या कहते हैं उसको, मॉडल उसने मॉडल बनाया हुआ था यार पूरी एविसिना का, बिल्कुल एक्यूरेट और इतना प्यारा बना था ना। क्या बात है यार, क्या बात है, जुहेब भाई लव यू हो गया यार। उसके चैनल का लिंक हो गया नीचे होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ऊपर भी आ रहा होगा, तो आप जाके उसको जरूर चेक करें यार, जरूर चेक करें। वो स्केच बनाता है, बहुत अच्छे बनाता है। एविसिना के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप जाकर वो देख सकते हो, कहीं पर आपको लिंक शिंक मिल जाएगा उसका, या सर्च करके भी देख सकते हो। मैंने उसमें एक बात नहीं बताई थी, वो ये यहाँ पर इन्होंने ना ये बेंचेस लगाए हुए हैं, पर यहाँ पर थोड़ी ग्रास हो जाए ना और यहाँ पर इस तरफ, लेकिन सर्दियाँ उसकी वजह से शायद होती नहीं, गर्मियाँ जब आएंगी जब हो जाएगी ना यहाँ पर बहुत, मतलब यहाँ पे ग्रीनरी हो कितना मजा आएगा यार। हमारे यूनिवर्सिटी में ये नहीं है यार, बस मतलब कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है इतनी बड़ी, लेकिन वहाँ पर ये सीन नहीं है, ये होना चाहिए यार, ये होना चाहिए, प्लीज़ होना चाहिए। मैं कोई तकरीबन दूसरी दफ़ा एविसिना आ रहा हूँ, और मतलब बुलाने पर ना, वैसे मैं कभी नहीं आया, बुलाया तो मुझे, मैं आ गया, खाना खाए बगैर ही जा रहा हूँ यार दोनों दफ़ा। ऐसा नहीं है कि ऑफ़र नहीं हुई, दोनों दफ़ा जो है ना वो ऑफ़र हमें रद्द करनी पड़ी, रद्द। खैर अभी मेरा घर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन ये दोनों कह रहे हैं हमने घर जाना है, और मैं अकेला कहाँ जाऊँ रात के इस टाइम, अकेला बेचारा कहाँ जाऊँगा। पर मोहम्मद मैंने आपका सिर्फ इतना सा क्लिप डाला था, इतना सा क्लिप था वो, कि क्या कहते हैं उसको, कि कारपेट आपको आपके खजाए का ना वापस ये ला के, और लोगों ने मुझसे पूछ के यार ये हैंडसम बच्चा कौन है, ये लड़का कौन है, प्लीज़। अब मैं आपका जो है ना इंस्टाग्राम मैंशन कर रहा हूँ नीचे, नूर मोहम्मद का, यू गाइस कैन चेक हिम आउट। भूख लगी है सर बहुत ज़्यादा, सुबह का कुछ खाया नहीं हुआ, तो अभी ज़रा कुछ ये हैं समसे, ये बहुत अच्छे होते हैं, खा कर देखना। ये सॉसेज वाले हैं, ये भी सॉसेज वाले हैं, ये चिकन वाले हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं सर। दे हैव दिस, ट्राई दिस बट एट योर ऑन रिस्क, मतलब खुद खाओ, खुद मैं मेरे कहने पे ना खाना, ठीक है मैंने बता दी होती है,
मैंने एक दफ़ा खाई थी, उसके बाद मैं उल्टियाँ करता रहा हूँ, तो भाई मेरे में तो हिम्मत है नहीं खाने की। अगर आप लोग खा सकते हैं तो सर आप महान हैं। हाँ पर जो है ना वो डॉलर की कीमत तो बड़ी बड़ी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, तो प्राइसेस भी हाइक कर गई हैं। यहाँ पर एक शवारमा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये चिकन रोल 110 का आता था, ये 400 महंगा हो गया, 400। अजीब बात है यार। आए हाय हाय, कैसा हदीका ने पहले, हदीका जो है ना पहले ट्राई कर रही है, कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना? तो बहुत अच्छा है यार, आप लोग भी खा कर देखें। हमारा ऐसा है मोवोज, डॉक्टर मोवोज साहब जो है ना वो ये खाते नहीं है लोकल चीज़ है ना, लेकिन उन्होंने अभी खाया पहली दफ़ा, अब मेरा ख्याल है खा लेते हैं। जन्नत जन्नत जन्नत, अच्छा जन्नत, अमीना अलीमा निया जाबूत हसन हसन करो पका 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 पका। तो बच्चे यार जो भी हो जहाँ पर भी हो ना, मतलब अच्छी होती है यार। मेरा बस दिल कर रहा था कि मैं एक बात करूँ आपसे, वो ये है कि अभी जब एबीसीना से है ना, यहाँ पर जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं वो मतलब अब जो नए सेमेस्टर वाले ना, छोटे सेमेस्टर वाले, छोटे सेमेस्टर क्या होता है यार, जूनियर सेमेस्टर जो है 2-3-4 ये जहाँ तक 6 तक, ये सारे के सारे वो हैं इंडिया से ज़्यादातर ना। और इंडिया के जो लोग हैं यार, दे आर वेरी स्वीट, मतलब जहाँ तक मुझे मिले हैं अब तक। ये हमारा फ्लैट है, ये सर का फ्लैट है, मतलब ये भी जो है वो इंडिया से ही हैं। और मतलब इनका यार, अगर मैं कहता हूँ उन्होंने हमें बहुत जगह बचाया भी है, जैसे कि हमारा फ्लैट में मसला बन गया था, फ्लाइंग फ्लाइंग 2-3 चीज़ों में, और दूसरा ये कि इनका अखलाक भी अच्छा है। और आज जब हम देखे हैं तो वहाँ पर भी तकरीबन इंडियन ही थे, जिन्होंने सारा लगाया हुआ था ना वो अपना एग्जीबिशन वगैरह लगे, सब के सब इंडियन थे तकरीबन। और मसला ये हुआ, किसी से बात करो इंग्लिश में वो आके से उर्दू में जा देता, जिससे उर्दू में बात करो सॉरी आई एम फ्रॉम इंडिया, आई डोंट नो, मतलब समझ रहे हो ना। मेरे साथ में एक और मसला चल रहा है आजकल, वो ये है कि मैं जैसे ब्लॉग मैंने बना लिया, शूट हो गया, सब कुछ हो गया, एडिट हो गया, मतलब कि भाई रेंडर भी हो गया, मेरे मोबाइल में आ भी गया। मैं अक्सर मैं 4K में करता था, फिर मैंने 4K छोड़ दिया। एक मिनट, ज़रा मैसेज आ रहे हैं। तो हाँ, तो मैं बोल ही रहा था कि भाई जान अभी मैं जैसे शूट कर लिया मैंने ब्लॉग अपना, मैं 4K में, मतलब मैंने कहा यार चलो आईफोन लिया तो 4K तक आप रेंडर करो, अब 4K में अपलोड करता हूँ तो भाई जान पहली बात तो ये YouTube से मेरा एंड से फोन से ना आईफोन से अपलोड होती नहीं है, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। मैं लगा कर बैठा रहूँगा 4 घंटे में जाकर कितनी 10% 20% चाहे 4K में अपलोड करूँ कि 1080p में करूँ, पता नहीं क्या चक्कर है यार। तो फिर अब मैंने क्या किया जी, अब HD में करने लगे हूँ, फिर मुझे अब आईफोन से एंड्रॉयड में करना पड़ता है, एंड्रॉयड में करने के बाद उसको फिर वहाँ से अपलोड करना पड़ता है। और एक और चीज़ जो शेयर इट होता है, आपको पता होगा कि आईफोन से एंड्रॉयड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो उसको, मेरा फ़ोन ये वाला होता ही नहीं है कनेक्ट उसके साथ, बाकी जितने फ्लैट में आईफोन वो दूसरे हैं ना एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, आईफोन मेरा इसके साथ नहीं होता, कोई दुश्मनी है। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, और भी 3-4 बातें हैं वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, कभी करेंगे। अभी ये जो मेरा ब्लॉग है ना, ये मेरा आखिरी ब्लॉग है, आखिरी ब्लॉग है, मतलब 40 ब्लॉग वाला जो चैलेंज था वो खत्म हो गया सर। आज शुक्र है अल्लाह तेरा,